विकास होंगे ज्ञान के समय एक्सेप्ट करने के बाद विकास आगे की ओर बढ़ने के क्रम में एक खिलाड़ी को कठिन करने के बाद दूसरे खिलाड़ी को अच्छी पॉइंट और गौरा चांद के लिए परंतु लालू को गेंद अब गौरा चांद परंतु बेहतरीन क्लियरेंस लालू के लिए खलते खलते रह गया परंतु पुनः लालू टीम के कप्तान गलत पास रिबाउंड में दुलू का क्या अंदाज बिल्कुल यही तो खासियत रहता है दुलू का मारा दुलू का बहुत ही बेहतरीन की उनके द्वारा स्ट्रेट बार पर लगकर गेंद दुलू का सबसे नेट जाल में उलझी हमेशा एक जीता खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है दुलू को और आखिरकार ये साबित किया है प्रेम आदरणीय नूनाराम हंसदा जी भी हमारे बीच मौजूद है उनको भी हम जोड़ना चाहेंगे सेकेंड राउंड के मैच से ये भी कमाल का किक बेहतरीन रणनीति के तहत गेंद प्लान बनाया गया और नतीजा गणेश मार्डी का गोल इकोलॉजर का गोल आता हुआ संतोष बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तालमेल यहाँ दल के निर्णायक इस तरह से यह मैच प्रारंभ हो चुकी है हमें पूरी विश्वास है उम्मीद है एक बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलेगा गेंद डिफ्लेक्ट होकर सीमा रेखा से बाहर सुनील कल खेल लिया भाई अपना गांव का टीम से खेल लिया दिन का ये सुनील नहीं खेलेगा घनश्याम और सुनील कल प्रथम अपना गांव का टीम से खेल लिया और इस तरह से गोरा चांद है लाजवाब मैच मैदान पर होता हुआ संजय मुर्मू रंजीत मांडी जयपाल सिंह सिरका तो सुसज्जित टीम नजर आ रही है दोनों ही टीम में अच्छे खेल खेलने की कला है अनुभव है पूरी तरह से खेल को खेल कंट्रोल करने की क्षमता सभी खिलाड़ी में है और आज कोरा चांद देवा के लिए यहाँ पर मौका बनेगा परंतु अच्छी डिफेंडिंग संतोष बिल्कुल काफी रोमांचक मुकाबला मैदान पर काफी अच्छी मैच पर होता हुआ प्रथम चक्र का यह अंतिम खेल बरायपुर फुटबॉल क्लब बनाम छुपा रुस्तम के बीच में दोनों ही टीम के जो टीम मैनेजर है टीम कोच है उनका भी दिल का धड़कन तेज हो चुका है चाहे वो हम बात करें तराय गुरु का बिल्कुल मैदान पर इस बार गेंद को क्लियर करने की कोशिश काफी सुंदर मुकाबला मैदान में गेंद के समय परंतु डिप्लेट के तहत लालू विकास के लिए विकास की लॉन्ग रेंज की इस बार तरह से काउंटर अटैक पर मौके की तलाश में तराबरू एफसी की ओर से छोटू क्रॉस आता हुआ परंतु बसंत बस के ड्राइंग के लिए इस बार गौरा चंद फुलचंद के लिए अच्छी बटवारा परंतु इस बार गुजरा तराबरू एफसी की ओर से अच्छी बटवारा इस बार छोर को बदला गया है मंगल होंगे मंगल मांडे इस बार गेंद को आगे की ओर बढ़ाते हैं सलखान बहुत ही बेहतरीन बचाव कर रहे हैं दोनों ही टीम के डिफेंडिंग खिलाड़ी अब तक के खेल में इस बार गलत किक गलत द्वारा कोई मौका नहीं बना इस तरह से जल्दी से गोल किक करते हुए विकास होंगे गेंद के समय
एक्सेप्ट करने के बाद विकास आगे की ओर बढ़ने के क्रम में एक खिलाड़ी को कटिंग करने के बाद दूसरे खिलाड़ी अच्छी पांट हो रहा यहाँ से गौरा चांद के लिए, परंतु लालू को गेंद अब गौरा चांद परंतु बेहतरीन क्लियरेंस लालू के लिए, परंतु इस बार क्रॉस बार बचाते हुए बिल्कुल बहुत ही कमाल का प्रदर्शन, तबातोड़ खेल देखने को मिलता हुआ दोनों ही टीम की ओर से। छुपा रुस्तम खिलाड़ी भी है डुल्लू, वाकई में डुल्लू की बात की जाए जब खेल की शुरुआत इन्होंने किया था तब ये मिडफील्ड में खेला करते थे, हालांकि आज के समय में बेहतरीन डिफेंडर के तौर पर जाने जाते हैं और आज उनके द्वारा गोल इस मैच पर अंतर बना है। बिल्कुल अभी भी काफी समय है, काफी कुछ करने की तमन्ना यहाँ पर दायबुरु फुटबॉल क्लब की टीम भी रखती है। आपके टीम में भी कई बेहतर खिलाड़ी हैं, अगर आप लोग तालमेल बनाकर खेलते हैं तो निश्चित तौर पर अपने आप को आप लोग रिकवरी कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है उनके टीम में भी, मंगल छक्की जैसे खिलाड़ियों को खाता खोलते खोलते रह गया, परंतु पुनः लालू टीम के कप्तान गलत पास रिबाउंड में बेहतरीन किक दोनों का क्या अंदाज। बिल्कुल यही तो खासियत रहता है डुल्लू का, मारा डुल्लू का बहुत ही बेहतरीन किक उनके द्वारा भाई स्ट्रेट बार पर लगकर गेंद डुल्लू का सबसे नेट जाल में उलझी, हमेशा एक जीता खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है डुल्लू को, और आखिरकार ये साबित किया है। यहाँ में दोनों ही टीम को मौका मिला था, लेकिन दक्षिणी छोर के कॉर्नर लाइन के समय पे दर्शक साथी से निवेदन है आप लोग उस कपड़े को छोड़ दें। चलिए आप लोग हमें सहयोग करेंगे, जो भी प्यारे दर्शक अगर जाने अनजाने में कपड़े रूपी दीवार को बांडे बाल को आप लोग पकड़े हैं तो कृपया आप लोग छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल खेल चलता हुआ अच्छा खेल शैली को अपनाया है अभी तक के खेल में दोनों ही टीम ने। संतोष दास वाकई में अच्छे खिलाड़ी है दोनों ही टीम में, बहुत बेहतरीन खेल को खेला है अब तक के खेल में निश्चित तौर पर। गेंद को पूरी तरह क्लियर करते हुए छुपा रुस्तम, आमने सामने विकास होंगे, जोरदार प्रहार हवाई लाइन से गेंद को भेजने की, सेकंड हाफ का मुकाबला मैदान पर होता हुआ 1-0 की बढ़त बनाकर खेलते हुए छुपा रुस्तम। सेकंड डाउन का पहला मैच आप खेलेंगे बाबू स्पोर्टिंग बनाम स्टील सिटी जाहटोला, दोनों टीम के कप्तान सागर है, उनके टीम के कप्तान खिलाड़ी उनके चेयरपर्सन से निवेदन है आप लोग अपने खिलाड़ियों को रेडी रखिएगा। सेकंड राउंड का पहला मैच बाबू स्पोर्टिंग बनाम स्टील सिटी जाहटोला, अगला मैच आपका है अपने खिलाड़ियों का स्वागत करती है अभिनंदन करता है भगवान बिरसा मुंडा जन्म जयंती एवं झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर। इस बार एक लाखतकिया फुटबॉल टूर्नामेंट एक भव्य आयोजन एनजेसी बड़ालाखा के द्वारा, आज ग्रैंड फिनाले का दिन है, अंतिम दिन है रेगुलर खिलाड़ियों के लिए। ठीक 5 बजे से आज सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आयोजन है, इसमें भी आप सबका स्वागत रहेगा अभिनंदन रहेगा। फिलहाल मैदान पर 1-0 की बढ़त बनाकर छुपा रुस्तम ब्लू और व्हाइट कलर की पोशाक, के तौर पर खेला जा रहा है फर्स्ट राउंड का। छुपा रुस्तम बनाम द्राबरू एफसी के बीच इसके बाद सेकेंड राउंड का फर्स्ट मैच खेला जाएगा। बाबू हमारे बीच इस क्रम में बदानिया क्षेत्र के उम्दा बेटर परम आदरणीय नूनाराम हंसदा जी भी हमारे बीच मौजूद है, उनको भी हम जोड़ना चाहेंगे सेकेंड राउंड के मैच से
कमाल का किक, बेहतरीन रणनीति के तहत गेम प्लान बनाया गया और नतीजा गणेश मार्डी का गोल, इकोल हजार का गोल आता हुआ संतोष था। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तालमेल यहाँ देखने की स्थिति पता है। एक बार फिर से गेंद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश, लालू के लिए गेंद सौंपा गया है लेकिन गेंद को इस बार फिर से विकास के लिए जरूर मौका बन सकता था, रिक्स लेने की दरकार थी वहां पर परंतु गेंद को जाने दिया और पुनः दारा ब्रू एफसी के खिलाड़ी। आज दोनों ही टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ा है, कोई भी हारना पसंद नहीं करती है। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपया है, द्वितीय पुरस्कार 70,000 है, तृतीय और चतुर्थ क्रमशः 40,000 है। इस तरह से पहली दफा एनजेसी बड़ालाखा लाख तक के फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया है। को देने की कोशिश, बिल्कुल इस बार तालमेल बना नहीं और गेंद टप्पा खाकर सीमा काफी रोमांचक मुकाबला मैदान पर काफी बेहतर। कौन टीम जीत हासिल करेगी क्योंकि दोनों ही टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। बिल्कुल अभी तक इस प्रतियोगिता में 6 गोल हुआ है, बीते कल 9 गोल हुई थी। गोला चांद डुल्लू आमने सामने लालू और इस बार जोरदार प्रहार, बिल्कुल बहुत मौका था यहाँ पे, गोल पोस्ट की जीत मंडरा रही थी, लालू को गोल करना चाहिए था लेकिन निर्णायक महोदय के द्वारा नकारते हुए। बिल्कुल आज इस एनजेसी बड़ालाखा के लिए बहुत ही गौरव की बात है। अभी अभी हमारे इस मंच पर समाज सेवी परमादरणीय श्री जोगेश्वर बेसरा मंच पर पदार्पण कर चुके हैं, उनका भी एनजेसी बड़ालाखा स्वागत करती है, अभिनंदन करता है। साथ ही साथ समाज सेवी आदरणीय गुरुचरण सिंह सरदार वो भी हमारे बीच आ चुके हैं, सर आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। झारखंड स्थापना दिवस भगवान बिरसा मुंडा जन्म जयंती की बहुत 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 बधाई। मैदान पर दोनों टीम बहुत ही सुंदर पूर्वक मैच को खेलते हुए काफी बेहतरीन मैच को खेला है और इस तरह